सध्या वसई विरारमधून रेल्वेकडून करोडो आणि अरबो रुपयाचा घोटाळा होत असल्याचा दावा वसई विरारची जनता करते. त्याचं कारणही तसं आहे. DFCC प्रकल्पात काही शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्यात, तर काही जमिनींवरती रेल्वेचं रिझर्वेशन आहे, परंतु या जमिनींवरती काही भूमाफियांनी कब्जा केलाय. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाला प्रत्येकी रूम मागे 14,17,000 रुपये द्यावे लागतात. तर हे पैसे मिळवण्यासाठी रेल्वेचे अधिकारी पैसे घेत असल्याचा दावा स्थानिक रहिवासी करतायत. पैसे देऊन पात्र आणि अपात्र अशा गोष्टी केल्या जातात. एका रूमला पात्र केलं जात आहे तर 5 रूमला अपात्र केलं जात आहे. एका रूमला पात्र करण्यामागची काय कारण आहेत हे रेल्वेचे अधिकारी सांगू शकतात. ऐन पावसाळ्याच्या वेळेला रेल्वेने तोडक कारवाई केलेली आहे, यामुळे लोक रस्त्यावरती आले. तर पाहूया या संदर्भात त्या रहिवाशांचं नेमकं काय म्हणणं आहे ते. वो जो बोले तो उन्होंने वो देना चाहिए था, बस और कुछ नहीं चाहिए था हमें. और अभी अचानक में 2 दिन में हुआ नहीं, और रूम खाली कर दो, हम कहाँ जाएंगे छोटे बच्चे लेके, अपना घर लेके अभी कहाँ जाएंगे, रोड पे रहेंगे हम लोग. हम लोग का चला चल सर, इतना खर्चा करके रेलवे बना रहे, लेकिन क्या गरीब लोग को बेघर करके रेलवे बना के क्या फायदा है? उस लोग गरीब लोगों के लिए बना रहे ना, तो गरीब लोग को बेघर करके बनाएंगे? ऐसा तो कहीं भी नियम नहीं है. आप लोग बस मरने का कोई रास्ता नहीं लगा रहे, रूम कोई बनाने का हमको रास्ता लगा रहे. क्या करें, हम कहाँ जाए सर बताइए आप. ना कलेक्टर कोई सुनता, ना ऑफिसर कोई सुनता है, तो हम कहाँ जाए, क्या करें हम बताइए आप. इतना साल से हम लोग 10 साल से इधर रह रहे हैं, ना नोटिस है ना कुछ है, तो कैसा काम होएगा? हाँ, हमको नोटिस देता तो हम तो खाली करते थे, किधर रूम देखते थे. अब हम रोड पे रहेंगे, हम कैसा क्या होएगा? अभी सर हमारे लोग 60 साल हो गए, मैं रूम लिया रेलवे का बोर्ड नहीं लगा, हमको 9 लाख रुपया खर्चा है दोनों रूम. हम लोग गए पालगढ़, बुलाए कलेक्टर साहब, तो बोले क्या रिपेयरिंग मत करो, सब लोग का पैसा मिलेगा तब रूम. पैसा मिला आपको? कुछ 1 रुपया नहीं सर मिले. हम कहाँ है, बहू बेटिया लेके जाएंगे? मेरा 7 साल कलेक्टर साहब जितने बार गए हैं उतने बार बोले तुम लोग का पैसा मिलेगा. ये काहे अचानक आप लोग तोड़ रहे हो? नोटिस दिए ने कुछ दिए? आपने वीडियो बनाया है? कौन सा वीडियो है? नहीं, हमने वो कलेक्टर साहब आए थे तो उनका वीडियो है, उन्होंने खुद आए थे, बोले तो सबको मिलेगा, किसी को भी बेघर नहीं करेंगे. आपने वीडियो बनाया? हाँ, हम लोग वीडियो बनाए. वो है सर का वीडियो, लेकिन हमारे पास में उन्होंने बोला कि सबको मिलेगा, भले थोड़ा मिस होएगा बस, लेकिन किसी को बेघर नहीं करेंगे. वही मेरा भी उधर रूम है, मेरा बगल वाला पात्र किया है, मेरा पहले वो पात्र नहीं किया है, तो उसको पात्र किया है, मेरा नहीं किया है, ऐसा क्यों? अच्छा, कलेक्टर भी आए थे, वो भी बोले थे कि पैसा मिलेगा, सबको मिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला. नोटिस भी नहीं मिला अभी तक, खाली करने अचानक आके बोले कि परसों बोल तोड़ने के लिए आएंगे हम लोग, तो अभी हम लोग ना कुछ टाइम है ना कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे अभी? जी अब बताएं आपका नाम. जोर से बोलिए. आप रह रहे हैं, कुछ भी 1 रुपया नहीं मिला है, काला गया, एक रूप गया इधर, एक ननंद का एक मेरा है, और अभी सब निकाल के जबरदस्ती करे हम लोग जाएगा, हम तो ढूंढना चाहिए, हम तो मिलना चाहिए, 2 दिन कभी मौका नहीं दे रहे. और मेरा रूम कहाँ गया? कर रहे